प्रवासी अलग अलग जगहों से अपने गांव के लिए निकले, लेकिन हम इस वक्त अयोध्या का एक गांव घुरेहटा में हैं और इस परिवार को देखिए, आशा देवी का ये परिवार है। इनके पति की दिल्ली में कोरोना से मौत हुई और उसके बाद ये गांव आई गाड़ी बुक करके, और बकायदा गांव में ही गाँव वालों ने बगीचे में क्वारंटाइन किया। सरकार ने क्वारंटाइन करने का भी एक तरीका निकाला है और बकायदा बगीचे में एक घर में इनको क्वारंटाइन किया गया है। इनके तीन छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिरी वक्त में पति को नहीं देख पाई क्योंकि अस्पताल में उनकी मौत हुई, और कुछ इस तरीके से प्रशासन ने बकायदा लोहे की एक कह सकते हैं रस्सी बनाई है और उससे इस परिवार को अगले 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। इनकी कोरोना की जांच भी हो रही है, लेकिन इस बगीचे में सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई ऐसे परिवार हैं जो बाहर से आए हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन ये एक परिवार की कहानी है, इसने अपने पति को खोया है, परिवार में बेटा इकलौता था और अब गांव किनारे जो बगीचे हैं उसमें बनाया गया। आप देखिए होम क्वारंटाइन का बकायदा यहाँ पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं कि ये जो इलाका है ये होम क्वारंटाइन के तहत बना दिया गया है। यहाँ पर बकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम, जो प्रशासन की टीम होती है, जो आशा कार्यकर्ता, ऐसे लोग भी आए हैं। हालांकि जो गांव के लोग हैं या फिर लोग हैं, इनकी तरफ से काफ़ी कुछ मदद यहाँ पहुँच रही है, लेकिन एक नई तरह की एक प्रथा शुरू हो चुकी है कि अगर कोई भी आदमी बाहर से आता है तो वो किस तरीके से गांव के बाहर रहता है। कई लोग हैं, आप लोग प्रशासन की तरफ से? स्वास्थ्य विभाग से। तो क्या है यहाँ मामला, क्या देख? यहाँ मामला ठीक है, जो कुछ क्वारंटाइन ठीक ठाक है। इसमें जो है, इसमें बाग में रहने से ये होगा कि मतलब दूरियाँ, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, तो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन से मतलब काफ़ी जो है वो मिलेगा। बाकी हम लोग जो इनका सैंपलिंग जो है एक दो दिन में जो है करा देंगे कि पॉजिटिव है निगेटिव जो है, जिससे इनको राहत मिल जाएगा, जो है राहत मिल जाएगा। आप आशा कार्यकर्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने पूछा है इन लोगों से? जी। क्या मिला? जी मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गए, तो मैंने कहा ठीक है चलो हम इसकी देखभाल करेंगे, अपने गाँव में रह करके सबसे मदद करवाएंगे, जो हो सकेगा उतना ही करेंगे।